गौरैया के लिए। उसका नाम था बलराम। गांव था पोखरी। काम था खेती। मुश्किल यह थी कि खेती करने में उसका मन नहीं लगता था। पुरखों की सारी जमीन परती पड़ी थी। करे तो क्या करे, भूख तो रोज ही लगती। इसलिए सुबह सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल में पके फल मिल जाते। जब फल नहीं मिलते तो सूखी लकड़ियां बटोरता। लकड़ियों को लेकर गांव आता। यदि कोई लकड़ियों के बदले दो चार रोटियां दे देता तो बलराम का पेट भर जाता। कभी कभी वह सोचता कि अपने पुरखों की जमीन पर खेती ही करे। लेकिन सोचते ही उसे लगता कि परती जमीन पर खेती करना उसके बस की बात नहीं है। एक दिन बलराम जंगल में लकड़ियां बटोर रहा था। अचानक उसका हाथ किसी कोमल चीज पर पड़ा। ची ची की हल्की सी आवाज आई। बलराम ने उत्सुकता से देखा। वह एक नन्ही सी गौरैया थी। बलराम ने गौरैया को उठाया। वह कमजोर और बीमार लग रही थी। उसकी ची ची की आवाज भी बड़ी धीमी निकल रही थी। बलराम को लगा गौरैया उससे कुछ कह रही है। गौरैया भूखी प्यासी होगी। ऐसा सोचकर उसने दो बूंद पानी चिड़िया की चोंच में डाला। एक जंगली फल खाने को दिया। बलराम दिन भर चिड़िया को कंधे पर बैठाए जंगल में लकड़ियां चुनता रहा। संध्या के समय वह सीधा अपने पड़ोसी के घर गया। लकड़ियां देकर कुछ दाना ले आया। गौरैया को दाना डाला। वह खाने लगी। बलराम बोला, देखो चिड़िया रानी, आराम से मेरे घर रहो। जब ठीक हो जाओ तो उड़ जाना। गौरैया बलराम के घर खुश थी। वह रोज बलराम के कंधे पर बैठ जंगल जाती। रास्ते में उसे मीठा गाना सुनाती। शाम को उसी के साथ लौट आती। बलराम गौरैया की खूब देखभाल करता। अब वह रोज लकड़ियां चुनकर लाता। लकड़ियां बेचकर अपने लिए खाना और चिड़िया के लिए दाना लाता। दोनों बातें करते। धीरे धीरे बलराम गौरैया को चाहने लगा। उसे एक साथी मिल गया। धीरे धीरे गौरैया ठीक हो गई। पर बलराम चाहता था कि गौरैया उसके साथ ही रहे।
गौरैया भी बलराम को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। बरसात का मौसम आ गया। कई दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। बलराम लकड़ियां लेने जंगल नहीं जा सका। बलराम सोचने लगा, अब गौरैया के लिए दाना कहां से आएगा? सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी जमीन की ओर गया। आखिर में बलराम ने अपनी परती पड़ी जमीन पर ही खेती करने का निर्णय ले लिया। वह फावड़ा उठाकर चल दिया। उसने एक नजर जमीन पर डाली और फिर जमीन खोदने में जुट गया। वह जमीन को खूब गहरा खोदता। कंकड़ पत्थर छांटकर अलग कर देता। मिट्टी को बिछाता जाता। गौरैया उसके आसपास उड़ती रहती। गांव वालों ने जब बलराम को इतना कड़ा परिश्रम करते देखा तब वे भी उसका हाथ पटाने आ गए। एक पड़ोसी ने खेत जोतने के लिए अपने हल बैल दे दिए और दूसरे ने कुछ बीज। कुछ ही समय में खेत में पौधे लहलहाने लगे। बलराम उनकी अच्छी देखभाल करता। फसल पकी तो अनाज से घर भर गया। बलराम की खुशी का ठिकाना ना रहा। अनाज का ढेर गौरैया को दिखाते हुए वह बोला, यह सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। बलराम की बात सुनकर गौरैया खुशी से चहचहाने लगी। कठिन शब्द गौरैया, गौरैया। पुरखों, पुरखों। परती, परती। बटोरना, बटोरना। उत्सुकता, उत्सुकता। संध्या, संध्या। ध्यान, ध्यान। चहचहाना, चहचहाना। निर्णय, निर्णय। लहलहाना, लहलहाना।